हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज प्राइमरी की। डीबीएमएस में कीज का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, चाहे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम बात करो, या फिर आप प्लेसमेंट की भी बात कर लो, वहां पे भी आपको कीज का कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर पूछते हैं। और ऐसा नहीं कि की सिर्फ एक ही, मतलब व्हाट इज प्राइमरी की या व्हाट इज कैंडिडेट की इतना ही इनफ है, नहीं। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करो, सीक्वल की बात करो, सब जगह आपको कीज का कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। तो इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर। तो प्राइमरी की कहानी क्या है, मतलब क्या होती है, कैसे हम बात करते हैं, तो इस कहानी को मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक सिंपल से एग्जांपल से। लेट्स से हमारे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स है। अब 100 स्टूडेंट्स का डेटा मेरे को स्टोर करना है। अब 100 स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली मैं बाय फेस तो हमेशा बुलाऊंगा नहीं। अगर मैंने अटेंडेंस लेनी है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में मैं क्या करूंगा, मैं उन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो सेव कर दूंगा, एक्सेल फाइल एक तरह से बना लूंगा, जिसमें मैंने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर, मार्क्स, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, मल्टीपल वैल्यूज जो है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मैं बना लूंगा। मतलब एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर देंगे, फिर हम उन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे भर देंगे। एक तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो कि एक टेबल है जिसके अंदर सारी एंट्रीज जो है वो हमने कर दिए। अब यहां पे आता है की का कॉन्सेप्ट। पहले की का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास लॉक के अंदर की होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हरेक लॉक की एक यूनिक की होती है। वो की सिर्फ उसी लॉक को खोलेगी। बेस्ट केस की बात करें, मैं नॉर्मल केस की बात नहीं कर रहा, इंडिया में बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है कि एक ही की से आप मल्टीपल लॉक खोल लो, लेकिन वो मैं की बात नहीं कर रहा, ना मैं मास्टर की बात कर रहा जो चोर उचक्के लेके घूम रहे हैं। मैं नॉर्मल की का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लॉक के लिए एक की बनी है। हाँ, उस की से मैं उस लॉक को ही खोल सकता हूं। तो वही काम हम यहां पे कर रहे हैं। मतलब आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी चीज को। अगर दो चीजें एक जैसी हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना कि तू अलग है और तू अलग, कैसे करेंगे, की से। अब यहां पे डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हम कैसे करेंगे, डेटाबेस में तुम्हारे पास एट्रीब्यूट्स है। अब मैं कहता हूं कि अगर नेम ले लेते हैं स्टूडेंट का नेम, तो क्या स्टूडेंट का नेम गारंटी है कि अलग अलग ही होगा? नहीं। आप खुद चेक कर लो, आपकी क्लास में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बच्चे होंगे जिनका नेम जो है, चाहे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी देख लो, वो भी क्या होगा, सेम होगा ही होगा। आप गारंटी नहीं ले सकते। एज ले लो, डेट ऑफ बर्थ ले लो, 365 डेज है एक साल में, या अगर लीप ईयर में 360, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ सेम होगी ही होगी। यहां पे अगर हम बात करें, फादर नेम भी सेम हो सकता है, मदर नेम भी सेम हो सकता है। इन केस अगर दो भाई बहन, भाई भाई अगर इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका फादर नेम मदर नेम सेम होगा। ऐसे ही मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट जो है वो सेम वैल्यूज हो सकती है। लेकिन कौन कौन से एट्रीब्यूट है जिनकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती, यूनिक ही होगी। कौन कौन सी हो सकती है? लेट से आपका फोन नंबर। आपके माइंड में आएगा कि सर फोन नंबर तो अलग अलग होगा, ठीक है, फोन नंबर जो है वो जब भी होगा अलग अलग ही होगा। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड भी आप कह सकते हो कि हाँ जी आधार कार्ड भी हमारे पास जो है वो सबके नंबर अलग अलग होंगे। पैन कार्ड, ऑल दो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट के केस में चाहे पैन कार्ड मत भी लो, चाहे अगर आप लेते भी हो तो तब भी वो यूनिक होगा। ऐसे ही अगर आप लाइसेंस नंबर लेते हो तब भी वो यूनिक होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लेते हो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन नंबर चलता है, कई कॉलेजेस में रोल नंबर चलता है, तो वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो आप इस तरीके से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं गिना सकते हो कि सर ये सारे यूनिक होंगे, इनके अंदर डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, इन सारे एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या बन रहे हैं, कैंडिडेट कीज है ये सारी। तो कैंडिडेट कीज की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज यूनिक। तो यूनिक मेरे पास अचीव हो गई, लेकिन क्या अकेले यूनिक से काम चलेगा, नहीं चल सकता। कैसे, लेट्स सपोज मैं फोन नंबर को मान रहा हूं कि फोन नंबर जो है, अगर किसी स्टूडेंट को मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं फोन नंबर भरूंगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो क्या गारंटी है कि हर एक स्टूडेंट ने सही फोन नंबर या इवन फोन नंबर दिया होगा, ये भी गारंटी नहीं है। और ऐसा भी एक केस पॉसिबल है कि लेट्स सपोज अगर दो भाई बहन इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों ने सेम नंबर ही डेटाबेस में दिया हो। पॉसिबल तो है ना, ये केस पॉसिबल है कि आप कह सकते हो कि फोन नंबर हो सकता है स्टूडेंट ने दिया ही नहीं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि दो अगर सिबलिंग्स हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ही फोन नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ, दोनों के पास अलग अलग नहीं है फोन नंबर। नेट से आधार कार्ड, अब आधार कार्ड भी आप कह सकते हो कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा। अगर हर एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियसली उसका आधार कार्ड यूनिक होगा। लेकिन क्या गारंटी है
कि अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर लेट्स सपोज 10,000-20,000 स्टूडेंट हैं, 50,000 स्टूडेंट हैं, क्या गारंटी दे सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होगा, सारे स्टूडेंट्स के पास पैन कार्ड लाइसेंस नंबर होगा? ये कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूं, मतलब ऑनलाइन अगर मैंने उसकी एंट्री डाली तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2-3 एंट्रीज आ गई या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एंट्री आई नहीं, क्योंकि आपके डेटाबेस में वो था ही नहीं। तो यहां पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है नल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने फोन नंबर नहीं दिया, मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में, उन्होंने फोन नंबर पूछा, मैंने वहां पे अभी नहीं दिया, या मैंने कोई गलत नंबर दे दिया, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं इस फील्ड को, लेट्स सपोज अगर मैं नल रख दूं, या अगर आप वही सिबलिंग वाला केस है, अगर आप सेम फोन नंबर दे देते हो तो वो सेम फोन नंबर उठा लेगा, और उसकी वजह से होगा क्या, कल को आप ढूंढोगे स्टूडेंट को तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंट्री नहीं आएगी, 2 या 3 एंट्रीज आ सकती हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो हुआ ही नहीं। तो डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं हरेक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, हरेक टप्पल को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ये अचीव नहीं होगा। तो ये कब अचीव होगा कि एक तो यूनिक होना चाहिए, दूसरा नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या है कि आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको इस फील्ड में भरना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मैं फोन नंबर की बात करूं या आधार कार्ड पैन कार्ड की बात करूं, तो अगर आपके पास लेट्स सपोज स्टूडेंट आता है कि मेरे को आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप उस फील्ड को भरोगे ही भरोगे। अब अगर आप उस फील्ड को भरते हो, अगर स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास आधार कार्ड नंबर अभी नहीं है, तो आप क्या करोगे, या तो आप उस फील्ड में कोई गलत वैल्यू एंटर करोगे लाइक डॉलर हैश, जस्ट उसको भरने के लिए, क्योंकि आप खाली छोड़ नहीं सकते, इट इज अ नॉट नल फील्ड। तो होगा क्या उस केस में, आप गलत एंट्री जो है वो डेटाबेस में कर रहे हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप बोलोगे अच्छा एडमिशन लेना है, आधार कार्ड नंबर दो, क्योंकि आधार कार्ड नंबर तो भरना पड़ेगा, नॉट नल फील्ड है, आप नल मतलब खाली, खाली आप छोड़ नहीं सकते। तो फिर क्या करोगे, आप बोलोगे अभी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, पहले आधार कार्ड नंबर लेके आओ। तो ऑब्वियसली ये केस तो होगा ही नहीं, ऐसे में तो ऑब्वियसली कोई कॉम्पिटिटर जो होंगे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले उस स्टूडेंट को खींच लेंगे। ऐसे ही पैन कार्ड नंबर की बात करें, लाइसेंस नंबर की बात करें, आप इस केस को मैंडेटरी फील्ड नहीं कर सकते। मैंडेटरी फील्ड आप किसको करोगे, स्टूडेंट के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को करोगे। तो एक्चुअल में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी की यूनिक भी है प्लस इट इज नॉट नल। तो कैंडिडेट की से मेरे को एक फायदा हो गया, यूनिक, वो हमेशा यूनिक होगी, लेकिन आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट की मैं सिर्फ एक को जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट जैसे मैंने अभी केस आपको बताया स्टूडेंट के केस में, मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सी बनेगी, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। अगर छोटा कॉलेज है तो आप रोल नंबर भी ले सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी है तो आप कहोगे रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर को आप क्या लोगे वहां पे प्राइमरी की, क्योंकि वो यूनिक तो है ही है, क्योंकि ये कैंडिडेट की है तो यूनिक तो है ही, प्लस ये नॉट नल है, मतलब आप इसको खाली छोड़ ही नहीं सकते। तो जब भी आप इस केस की बात करोगे ना, तो आप कोई भी डेटाबेस उठा लो, उस डेटाबेस में प्राइमरी की आपकी यूनिक प्लस नॉट नल रहती है। और दूसरा, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी हम यूजर से नहीं लेते, प्राइमरी की वैल्यू हम यूजर को देते हैं। तो अगर आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप लेट्स सपोज एडमिशन लेने जाते हो, तो आप नहीं बोलोगे कि सर मेरे को ये रोल नंबर चाहिए या मेरे को ये रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, कि मेरे को VIP रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, रोल नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देंगे कि दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, क्योंकि इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही अगर आप लेट्स सपोज पासपोर्ट ऑफिस में जाते हो, पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगा, क्योंकि वो यूनिक भी है प्लस नॉट नल है। अब पासपोर्ट ऑफिस में उन्हीं लोगों का डेटा होगा ना जिनके पास पासपोर्ट है, मतलब जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। अब आप पासपोर्ट नंबर खुद मांगते हो, नहीं, पासपोर्ट नंबर वो आपको देंगे, दैट इज द प्राइमरी की। ऐसे लाइसेंस ऑफिस में अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो लाइसेंस ऑफिस में उन्हीं बंदों का डेटा होगा जिनका लाइसेंस ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, या उन्होंने अप्लाई लर्निंग या प्रॉपर लाइसेंस ले चुके हैं। तो लाइसेंस नंबर भी आपको ऑफिस वाले खुद प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी टफ फील्ड, मतलब ये यहां पर कहीं ना कहीं टफ हो जाता
जाता है, क्योंकि यूनिक और नॉटरल दोनों को अचीव करना है। डेटा यूनिक भी होना चाहिए और नॉटरल भी होना चाहिए, मतलब आप खाली भी नहीं छोड़ सकते उस फील्ड को और उसमें आप डुप्लीकेट डेटा भी नहीं भर सकते। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी की। हमेशा याद रखना, प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक प्लस नॉटरल, लेकिन कैंडिडेट की क्या होती है? सिर्फ यूनिक। आप उसमें खाली छोड़ सकते हो, आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो फिर आप उसको क्या बनाओगे? प्राइमरी की। तो लास्ट पॉइंट यहां पे कि एक डेटाबेस में एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4 प्राइमरी कीज हो सकती हैं? नहीं, सिर्फ एक प्राइमरी की होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी की बनाना बहुत ही हार्ड है। आप उस ना तो उसको खाली छोड़ सकते ना उसमें डुप्लीकेट भर सकते। तो अगर आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाने की कोशिश करोगे, ऑल दो आपका डेटाबेस जो है वो पहले अलाउ नहीं करेगा, कोई भी सर्वर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, चाहे ओरेकल का यूज कर रहे हो, सीक्वल सर्वर, आईबीएम, कोई भी, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि अगर मेरा काम एक बंदे से हो रहा है तो मैं 2 बंदों को क्यों हायर करूंगा? वही काम यहां पे, जब मेरा एक एट्रीब्यूट से काम चल रहा है तो मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट से पंगे लूंगा ही नहीं। तो इसीलिए आपका सॉफ्टवेयर आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाओ। हाँ, एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती है, क्योंकि यूनिक मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, अकेला नॉटनल भी हो सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को आप नॉटनल भी बना सकते हो, लेकिन कंबाइंडली अगर बात करें यूनिक और नॉटनल, वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। और वो डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में आप बना रहे हो। स्टूडेंट के सिनेरियो में ये बन जाएगा, आधार कार्ड के केस में आधार कार्ड नंबर बन जाएगा, पैन के केस में पैन नंबर बन जाएगा, पासपोर्ट के केस में पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस के केस में लाइसेंस नंबर। तो जिस जिस डेटाबेस में आप बात करोगे तो उसमें आपको अब क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। थैंक यू।